नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं होली के पावन अवसर पर आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, आज होलिका दहन का दिन है। आशा करता हूं कि आपके नसीब में जो भी वो चीजें हों, जो बाधक बन रही हों, आज इस होलिका दहन में वो जल जाए और आप रंगों के त्योहार के साथ कल इसको एंजॉय करते हुए अपने लाइफ में अगले रंग की तरफ बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संस्था के द्वारा टीएचटी पीएचटी का बैच संचालित किया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की सहायता, किसी भी प्रकार के नोट्स के वगैरह के लिए आपको यहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी और बहुत स्मूथली क्लास चल रही है, बहुत स्मूथली पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लेना। एक तो आप लोगों का सिलेबस इतना छोटा सा बना दिया है, लेकिन उसको पढ़ना ज्यादा है मजेदार ढंग से। तो कुछ करना नहीं है आपको, हमारे बहस से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप एंट्री लिखकर, क्या एंट्री लिखकर टीएचटी पीएचटी और सब्जेक्ट का नाम, जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। उसके साथ साथ ये हमारे साथ सहयोगियों का नंबर है, जो सुबह से शाम आपके लिए हमेशा लगे रहते हैं। इतना फोन इस्तेमाल कर लेते हैं ये लोग, लगता है कि अब कान में हमेशा हाथ ऐसे ही रह जाता है। तो इस पे आप फोन कर सकते हैं और जो भी समस्याएं हो आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था। मैंने ये टैक्टिक्स अब बनाई है कि कोई हर जगह से नए नए टॉपिक नहीं उठाने हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया, उसका अगला पार्ट आज बताएंगे, ताकि जो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे बंधु हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं संस्था से, या जो जिनको कुछ समस्याएं हो जाती हैं, तो वो मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखकर आप कम से कम अपना एक चैप्टर जरूर क्लियर कर लें। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से 3 या 4 सवाल या 5 सवाल तक भी आ सकता है। ठीक, तो 1857 क्रांति का हमने आपको लास्ट क्लास में कारण बताए थे, कारण की व्याख्या हमने बृहद रूप में की और उस कारण को आपने समझा। किताबों में पैराग्राफ में रहा होगा, लेकिन हमने आपको लाइनर वाइज लाइन बताया, लाइन वाइज लाइन की आप चीजों को समझ सके। क्यों बताया हमने लाइन वाइज लाइन? क्योंकि जब आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो लाइन लाइन वाइज लाइन ही रहता है, पैराग्राफ में नहीं रहेगा। खैर भाई, अब चर्बी युक्त कारतूस का बवाल तो बढ़ चुका था, दिसंबर 1856 में आ गई थी इनफील्ड राइफल, अब किया क्या जाए। हुआ ये कि सैनिकों के मन में जब ये आ गया और जब ये बात सच भी साबित हो गई थी कि भाई कारतूस में चर्बी लगा है, तो सैनिकों ने अब इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। जैसे कि कैसे मना किया, जैसे क्या कहते हैं, पहले 23 जनवरी को दमदम के सैनिकों ने मना कर दिया करने से, 26 जनवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने मना, सब बंगाल में है, बहरामपुर के सैनिकों ने इस चर्बी कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। और क्या हुआ कि 28 मार्च को मंगल पांडे ने क्या कहते हैं, मना तो किया किया, इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। अगर इस तरह बता दिया जाए तो शायद चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, लेकिन यह विद्रोह जो था ऐसे छिटपुट तरीके से हुआ, इसका कारण था, पहले यह विद्रोह संगठित रूप से होने वाला था। हुआ क्या कि भाई अंग्रेजों से सभी परेशान थे, चाहे वो डलहौजी की नीति हो, चाहे वो बेलेजली की नीति हो, चाहे वो चर्बी युक्त कारतूस हो, तो सब लोगों ने एक बैठक बुलाई, बैठक, और बैठक में यह बात किया गया कि जो 1857 का विद्रोह है वो एक निर्धारित तिथि पर प्रारंभ किया जाएगा। सुनते जाइए, ऑलरेडी ये जो बात थी ये मौलवी अहमदुल्ला और नाना साहब में बिठूर में डिसाइड हो चुका था कि 1857 का विद्रोह संगठित रूप से 31 मई 1857 को चलाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें विद्रोहियों की संख्या बढ़ने लगी तो सब लोग आपस में डिसाइड किए कि भाई देखो, हम लोग सब चलते हैं लाल किला और लाल किले में बैठ के डिसाइड करते हैं। भाई लाल किला क्यों, और भी कहीं जा सकते थे। रीजन ये था कि अब किसको क्या कहते हैं, एक अपना नेतृत्वकर्ता बनाया जाए, भाई कोई राजा होना चाहिए, और वो राजा का सम्मान उन्हें मुगल बादशाह में दिखा, क्योंकि भाई 1526 से वो लगातार चले आ रहे थे, भले हम पर शासन कर रहे थे लेकिन बाद में वो हमारे रंग में, हमारी संस्कृति में घुल मिल गए। तो इसीलिए दिल्ली के लाल किले में यह निर्धारित किया गया कि 1857 का जो विद्रोह होगा वो 31 मई 1857 को एक संगठित रूप से चलाया जाएगा, और जो इसका प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा रोटी और कमल होगा। भाई सब लोग निर्धारित किए, लेकिन एक दिक्कत थी, बहादुर शाह बुढ़ा गया था इस समय। बहादुर शाह जफर की उम्र, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था,
बहादुर शाह जफर की उम्र लगभग 80 वर्ष थी, कहीं कहीं 82 वर्ष भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा भाई, 80 वर्ष का व्यक्ति क्या नेतृत्व करेगा। लेकिन अगर ये लाइन हम वीर कुंवर सिंह के बारे में देखें तो गलत साबित हो जाता है, वो भी 80 वर्ष के थे और उन्होंने अकेले विद्रोह संभाला। खैर उन पर बाद में आते। इसीलिए बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने कहा हो सकता है कि मेरी क्षमता नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उतना लड़ सकूं। इसीलिए उसने क्या किया कि बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया और बख्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि दी गई। बहादुर शाह ने ही दिया था। सब भाई निर्धारित हो गया कि अब ये विद्रोह उद्रोह जो है 31 मई को हम चलाएंगे। ठीक, बातचीत हो गई, प्रतीक चिन्नू ने भी मिल गया, सब गए। लेकिन आप जानते ही है ना, हमारे देश में हम ही को खोखले करने वाले जयचंद और विभीषण बैठे हुए, वो हमारी वो आप वो चंद पैसों के लिए तुच्छ कारणों की वजह से वो देश को बेच सकते हैं। यही हुआ जब यहां पर हमारे देश के कुछ लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को जाकर इस बात को बता दिया कि भैया इस समय जो भारत वाले हैं वो बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं आप लोगों के खिलाफ और बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। यही कारण है कि जो अंग्रेजी सेना आने वाली थी 31 मई के बाद, उसे पहले ही बुला लिया गया। और जब इस बात की जानकारी भाई सैनिक में सैनिक आ रहे थे और सैनिक ग्रुप को पहले ही पता चलेगी इस बात, भाई लॉजिक सी बात है, अगर कोई वैकेंसी आएगी तो स्टूडेंट और टीचर को पता चलेगी पहले, किसान को पता चलेगा, वैसे सैनिक आ रहे थे, तो जब सैनिक आ रहे थे तो यह बात सैनिकों को पहले पता चल गई। यही कारण है कि भाई जब उनसे कहा गया तुम इस कारतूस का प्रयोग करो तो 23 जनवरी को दमदम के सैनिकों ने मना कर दिया, भाई हम नहीं करेंगे। 26 जनवरी को बारामपुर के सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। जब ज्यादा दबाव डाला गया तो मंगल पांडे का बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। 28 जनवरी 1857 को उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉब और ह्यूरसन को गोली मार दी, जिसमें बॉब की मृत्यु हो गई। और बॉक की मृत्यु हो गई, लेकिन ह्यूरसन का लक अच्छा था कि वो बच गया और हमारा लक खराब था कि वो बच गया, जिसकी वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को पकड़ के फांसी दे दी गई। किताबें जो लिखती हैं कुछ मतलब जैसे एनसीईआरटी 29 मार्च लिखती है, पर हमारे क्या कहते हैं, हमारा कमीशन 8 अप्रैल आंसर मानता है। ठीक, फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे 34वीं छावनी के सैनिक थे, इसीलिए 34वीं छावनी को भंग कर दिया गया। अब ये हुआ कि मतलब अब सबको पता चल गया भाई मंगल पांडे का भी मुख्य रोल था उस मीटिंग में, वो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। जब ये बात पहुंच गई कि भाई मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत कर दी और अंग्रेजी सेना समय के पहले आ रही है, तो अब क्या किया जाए। इसीलिए यह विद्रोह संगठित रूप से ना होकर छिटपुट तरीके से अलग अलग जगह हुआ, जहां पर अलग अलग लोगों ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। वो बातें हम चार्ट में पढ़ लेंगे, पहले हम पढ़ते हैं विद्रोह की शुरुआत। ठीक, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए विद्रोह की शुरुआत करके, उसी में हम चीजों को लिख लेते हैं। देखिए के विद्रोह का प्रारूप, दिल्ली के लाल किले में बनाया गया। और इसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल को बनाया गया। के विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। ठीक, इसके बारे में ऐसे यहां पे और लिख लीजिए, ऐसे नहीं ये कलर नहीं दिखेगा, दूसरा कलर बता देता,
नाना साहब और अहमदुल्ला जी ने बिठूर में पहले से इकतीस मई 1857 तिथि निर्धारित की थी। इस विद्रोह का नेतृत्व करता आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया। जिसकी उम्र 80 वर्ष थी। ठीक भाई, सम्मान दिया गया कि भाई आप मुगल बादशाह, हो सकता है बाहर से भी हमें सपोर्ट मिल जाए, सम्मान मिल जाए। बहादुर शाह ने बख्त खां इसको उपाधि दी थी, साहब आलम बहादुर की। बहादुर शाह ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक, चलिए, तो हमने क्या कहा कि भाई ये सारे डिसीजन हो गए, लेकिन क्या हुआ कि वही चीज भारतीय आंतरिक कला की वजह से क्या हुआ कि मंगल पांडे को इस विद्रोह की शुरुआत पहले करनी पड़ी। हुआ क्या कि 23 जनवरी को भाई दमदम के सैनिकों ने, उसके बाद क्या कहते हैं ये 26 जनवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने चर्मयुद्ध कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। फिर जब मंगल पांडे लोगों पर फोर्स डाला गया, मतलब दबाव डाला गया कि भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो मंगल पांडे ने कहा बहुत हुआ नाटक, सीधा गोली भरे और उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉग और रोशन को गोली मार दी, जिसमें बॉग मर गया, दुर्भाग्यवश सुरेशन बच गया था। इसकी वजह से मंगल पांडे को क्या हुआ कि फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। और मंगल पांडे जी का जो जन्म है वो बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे जंग आजादी संगठन के नाम से हम जानते हैं। अब क्या हुआ कि मंगल पांडे ने जब इस विद्रोह की शुरुआत पहले कर दी तो अब यह हुआ कि भाई अब होगा क्या। फिर क्या हुआ कि 34वीं छावनी के जो मंगल पांडे थे उस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया। अब मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी 20वीं छावनी की, बौखलाई और वो दिल्ली की तरफ बढ़ी। 10 मई 1857 को मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करते हुए 11 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि इस विद्रोह की जब शुरुआत हुई तो दिल्ली में अंग्रेजों का मतलब ऐसा हालत खराब हुआ कि वो कुछ कर नहीं पाए और कैनिंग ने बहुत बड़ी सेना भेजी दिल्ली में इस विद्रोह का अंत करने के लिए। और इस विद्रोह का अंत क्या हुआ कि निकल्सन ने जब अजमेरी गेट को घेर लिया था तो उसमें निकल्सन की मृत्यु हो गई। बाद में हडसन ने क्या किया कि इस विद्रोह का दमन किया। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब जो थे वो प्रत्यक्षदर्शी 1857 के विद्रोह के, वो कहते हैं कि जब दिल्ली को अंग्रेजों ने पुनः अपने कब्जे में कर लिया उसके बाद इतना नरसंहार हुआ कि वो कहते हैं कि
कि रक्त की गंगा बह रही थी या खुदा मुझे और क्या देखना बाकी है। अंग्रेजों ने इतना ज्यादा क्रूरता किया, इतने लोगों की हत्या की। अब यहां तक आप ये समझिए कि बहादुर शाह का रिश्तेदार था मिर्जा इलाही बख्श, जो जाकर अंग्रेजों को बता दिया कि बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे के पास छुपा है, और वहीं पर हुमायूं के मकबरे के पास उनको बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को पकड़ के रंगून भेज दिया गया। उसके बाद बहादुर शाह के पुत्र को मिर्जा ख्वाजा मिर्जा मक्कव को मिर्जा बर्क को लाल किले के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई, बच्चों को गोली मार दी गई, और हम चुपचाप देखते रहे। हमारे अंदर हमारे जो साथ के लोग थे, जो हमारे ही खिलाफ खड़े थे, ऐसे लोगों को तो पहले गोली मारनी थी मेरे हिसाब से। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि इस विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण था, सबसे पहला कारण था या सबसे बड़ा कारण, कि यह विद्रोह संगठित रूप से ना होकर छिटपुट तरीके से हुआ। फिर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, वो हम अभी चार्ट में बताएंगे और सब भक्ति की खास बातें हम बताते चलेंगे। तो हमने क्या कहा अभी, तेईस जनवरी को 1857 डेट रहेगी, 1857 का विद्रोह, बार बार उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 23 जनवरी को दमदम के सैनिकों ने और 26 जनवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। March 1857 को बैरकपुर के चौतीसवीं छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉ और हरिसन को गोली मार दी। जिसमें बॉग मारा गया। आठ अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और चौतीसवीं छावनी को भंग कर दिया गया। मंगल पांडे का जन्म 1800 में हुआ था और इन्होंने जंग ए आजादी नामक संगठन बनाया था। मंगल पांडे ने
हल्ला बोल का नारा दिया था। इसके बाद हमने आप सभी क्या कहा कि भाई अब इस विद्रोह की हो चुकी थी शुरुआत, तो मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह को गद्दी पर बैठाकर इस विद्रोह की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। तो एक लाइन और लिख लीजिए, मेरठ की 20वीं छावनी के पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब क्या हुआ, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने इस विद्रोह का क्या किया, नेतृत्व किया। उस चार्ट पे चलते हैं और हम एक एक चार्ट आपको समझाते हुए चलते हैं। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की डेट याद रखनी है बस, और किसी की नहीं। दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह, बख्त खां और उनकी पत्नी जीनत महल ने किया था। निकलसन की मृत्यु हो गई थी, ये मर गया था, और बाद में इस विद्रोह का दमन किसने किया था, हडसन ने। ये डेट दो मिलती है, कहीं 20 सितंबर मिलता है, कहीं 21 सितंबर भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस डेट से, ठीक है। क्या हुआ कि फिर से 21 सितंबर को या 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पहला विद्रोह दिल्ली में कब, 11 मई। अब यहां पर हम आपको बताते हैं बहादुर शाह के साथ हुआ क्या, एक एक एक्सप्लेन करते चलेंगे ना, साथ में खत्म हो चले। भाई बहादुर शाह जफर तो बेचारा वैसे ही बुढ़वा था, और उसने बख्त खां को सेनापति भी बनाया था। इनके एक रिश्तेदार थे भाई साहब के, बहादुर शाह के, मिर्जा इलाही बख्श। जाकर अंग्रेजों को ना घुचुर घुचुर करके बता दिए कि बहादुर वहीं छुपा है हमारे ऊपर, जाकर धर लीजिए उसको। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को और इनकी पत्नी जीनत महल को हुमायूं के मकबरे के पास से पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1861 में इसकी मृत्यु हो गई। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है कि उसके बाद बहादुर शाह का पुत्र था मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा, और उसका पोता था मिर्जा अबू बकर। इन तीनों को लाल किले के सामने बांधकर गोली मार दी गई। इसी पर क्या कहते हैं, मिर्जा गालिब ने लिखा था कि मेरे सामने रक्त का सागर है, खुदा मुझे और क्या देखना बाकी है। तो मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो वो थे मिर्जा गालिब। जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे, उसी प्रकार क्या कहते हैं 1857 के दिल्ली के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो कौन थे, मिर्जा गालिब, जिनका जन्म आगरा में हुआ था। तो पहले यहां पर हम एक एक जगह के विद्रोह को क्लियर करते चलते हैं ना, नहीं तो ऐसे अलग से नहीं समझ में आएगा। दिल्ली यहां पर क्या हुआ, नेतृत्व करता तो वहां से चार्ट से देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी चीज बता रहा हूं। बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श ने अंग्रेजों को बहादुर शाह के बारे में जानकारी दी थी। बहादुर शाह और उसकी पत्नी
जीनत महल को हुमायूं के मकबरे के पास पकड़कर पकड़कर रंगून भेज दिया गया। जहां इसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसके पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा और पोते मिर्जा अबू बकर को पकड़कर लाल किले के सामने गोली मार दी गई। दिल्ली में इस विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी मिर्जा गालिब थे। क्लियर। यह था दिल्ली का विद्रोह। इसके बाद का जो नेतृत्व विद्रोह है वो कहां है? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया, ठीक 4 जून 1857 को। और दमन करता था कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं कि हजरत महल ने विद्रोह चालू किया और कैंपबेल आके दमन कर दिया, ना 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 ना। बात क्या है कि अंग्रेजों ने अवध के नवाब का पद का अंत कर दिया था, ठीक है। वाजिद अली शाह आखिरी अवध का नवाब था। अवध के पद का अंत किया, इस वजह से थोड़ा सा इन अवध वालों में आक्रोश था। लखनऊ अवध के क्षेत्र में आता था। बेगम हजरत महल ने क्या किया कि अपने पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। लेकिन आपसे कभी पूछा जाएगा कि अवध का आखिरी नवाब कौन था, तो अवध का आपका आखिरी नवाब हमेशा वाजिद अली शाह ही रहेगा। तो क्या हुआ कि बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र माने विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया और 4 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि हेनरी लॉरेंस, जिसके पास एक बड़ी सेना थी, वो भी इस विद्रोह के तूफान को रोक नहीं पाई। हेनरी लॉरेंस कुछ यूरोपियों और 2000 राजभक्त भारतीय सैनिकों के साथ सरल दिया था, ठीक है। राजभक्त सैनिकों के साथ मतलब अंग्रेजों के प्रति वाले शरण लिया था। और विद्रोहियों ने, ये लोग जहां शरण लिए थे, विद्रोहियों ने उसको चारों तरफ से घेर कर आग लगा दिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस विद्रोह का दमन करने के लिए हैवलॉक और आउटरम आया, वो भी असफल हुए। फिर लास्ट में आया कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में इस विद्रोह का अंत किया, लेकिन बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो वहां से भागकर नेपाल चली गई, जहां पर उनकी बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन बेगम हजरत महल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को ही में ही नहीं, पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला कौन है? बेगम हजरत महल है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला कौन है, तो वह सर्वप्रथम महिला है बेगम हजरत महल। चलिए लखनऊ की वाले बात बताते हैं।
देखिए बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विर्जिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाकर इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। यहां के विद्रोह में हेनरी लॉरेंस मारा गया, फिर कैंपबेल आया, इस विद्रोह का दमन किया। बेगम हजरत महल भागकर जापान चली गई। सही है? नहीं, भागकर नेपाल चली गई। खास बात, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला बेगम हजरत महल थी। क्लियर? अगला जो विद्रोह है वो है कहां पर? कानपुर में होगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किए थे नाना साहब और तात्या टोपे, और यहां पर ही दमनकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल। ये नाना साहब की कहानी बताते हैं। भाई नाना साहब इस विद्रोह में इसलिए आए क्योंकि ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनके पेंशन को समाप्त कर दिया था। ध्यान समझिएगा, नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत था, भोदू नहीं, धोदू पंत था। और नाना साहब के दो सहायक थे, अजीमुल्ला जिसने फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, और तात्या टोपे जिन्हें नाना साहब का कमांडर इन चीफ कहा गया। हुआ क्या था कि नाना साहब के साथ एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी है जो कि सती चौरा या सती चौड़ा घटना या बीबीगढ़ घटना है। कानपुर में जब विद्रोहियों ने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत की, ठीक, तो वहां पर था व्हीलर। व्हीलर ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया नाना साहब की सेना के सामने, क्योंकि उसके साथ कई सारे यूरोपीय जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। नाना साहब ने सबको कानपुर में गंगा नदी पर बैठाकर सेफली इलाहाबाद भेजने का प्लान बनाया और भेजे। सती चौरा नामक स्थान पर विद्रोहियों ने क्या किया, व्हीलर को गोली मार दी और बीबीगढ़ नामक स्थान पर जितने भी महिलाएं और बच्चे थे उनको जिंदा जला दिया या उनके उनकी हत्या कर दी। अंग्रेजों ने इस घटना को नाना साहब के साथ जोड़ा कि इसमें पूरी की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी जो गणित थी वो नाना साहब ने खेल ली। पर नाना साहब की तरफ से समर्थन की एक महिला जिसका नाम था हाल्टे स्टेट ने कहा कि मैं उस इंसान को कैसे दोषी मान सकती हूं जिसने मुझे और 108 लोगों को खुद नाव पे बैठाकर सेफली भेजने का प्रयास किया इलाहाबाद में। तो इसीलिए कुछ इतिहासकार नाना साहब को गलत दिखाने के लिए, हत्यारा दिखाने के लिए, देखिए अंग्रेजों को मारो कूचो वो अलग मुद्दा है, लेकिन किसी महिला और किसी बच्चे पर कभी भी कोई भी वार नहीं करना चाहिए। आप उस समय आपसे आपके लोग ही नहीं, भले वो गलत हो, लेकिन उस समय आपसे ही नहीं पूरा देश आपका दुश्मन हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग इस घटना को नाना साहब के साथ जोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। सती चौरा बीबीगढ़ कांड, तो आपसे ये पूछ सकता है कि सती चौरा या बीबीगढ़ कांड किससे जुड़ा है
या किस विद्रोह से जुड़ा है तो 1857 के विद्रोह से, या किससे जुड़ा है तो नाना साहब से। पर नाना साहब का इस विद्रोह में कोई लेना देना नहीं था। फिर नाना साहब भी भाग कर कहां चले गए, नेपाल चले गए। और उसके बाद तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है, ठीक है, वो वहां से चले गए ग्वालियर, जहां पर उन्होंने लक्ष्मीबाई का समर्थन किया। इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। और जो नाना साहब के दूसरे सहयोगी थे अजीमुल्ला, अजीमुल्ला जो थे, इन्होंने फतेहपुर में इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो सत्य चौला और बीबीगढ़ को स्पेशली याद रखिएगा। तो अगला जो विद्रोह की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कानपुर। एक बार कानपुर पे क्या हुआ था, विद्रोह जब हो रहा था तो जो नील था, कर्नल नील, जो इलाहाबाद और बनारस के विद्रोह का अंत करेगा, कर्नल नील ने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि ग्वालियर की सेना जो थी वो आके नाना साहब का समर्थन कर दी, और फिर कर्नल नील को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यहां के विद्रोह का दमन किसने किया, कॉलिन कैंपबेल ने किया। तो कानपुर में नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर में नाना साहब के दो सहयोगी थे, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। और अजीमुल्ला, अजीमुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फतेहपुर में किया था, ठीक है। जैसे अलग से पूछ लिया कि फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अजीमुल्ला थे। तात्या टोपे को नाना साहब का कमांडर इन चीफ कहते हैं। कमांडर इन चीफ कहते हैं, ठीक। इसके बाद सती चौरा और बीबीगढ़ कांड नाना साहब से जोड़ा जाता है। यहां पर व्हीलर की हत्या की गई थी। क्लियर? चलिए, अगली जगह जो है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अगला स्थान झांसी। यहां पर लक्ष्मीबाई थी, ठीक, 7 जून 1857 हीरोज। और फिर ग्वालियर था, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, जून 1857 हीरोज। ये मैं आपको बताता हूं लक्ष्मीबाई के बारे में, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ग्वालियर और झांसी दोनों एक साथ में आपको समझाता हूं, तब आप समझ जाएंगे। झांसी और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई जो थी, हीरोज ने उनसे कहा कि 1857 में यह सोई हुई महिला एकमात्र मर्द है। ये गंगाधर राव की विधवा थी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म बनारस में हुआ। थोड़ी कहानी समझिए भाई, झांसी से ये ग्वालियर पहुंची कैसे। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था,
और विवाह झांसी में हुआ था। इनके पति का नाम गंगाधर राव था और पुत्र का नाम दामोदर राव जो था, जो कि दत्तक पुत्र था, जिसे गद्दी पर नहीं बैठने दिया जा रहा था। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं किसी कीमत पर झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। लेकिन यहां पर एक इतिहास के हमारे जो पन्ने हैं दोस्त, वो ऐसे कई सारे और वीर पुरुष, वीर महिलाएं हैं जिनके बारे में हमारे इतिहास के पन्ने लिखना भूल जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो जीवित रहा, क्या वही हमारे देश की स्वतंत्रता में उसी का योगदान है? और जो हमारे देश को स्वतंत्र कराते कराते मर गए, क्या उनका योगदान हम नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मरने वाले को इंसान भूल जाता है, जीवित रखने वाले को इंसान जिंदा रहता है। पर यह गलत है, जो मर गए वो देश के लिए मरे, उन्हें भी याद करना आवश्यक है। और यहीं पर एक महिला थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतना बड़ा त्याग किया, और वो कौन थी पता है आपको? वो थी छबीली बाई, झलकारी बाई। झलकारी बाई का नाम जो झांसी में रहते होंगे, छबीली बाई तो रानी लक्ष्मीबाई को ही कहा गया, छबीली बाई, मनु और मणिकर्णिका। झलकारी बाई का नाम जो झांसी में रहते हैं वो जानते होंगे। झलकारी बाई का जन्म झांसी में हुआ था। मैं बता दे रहा हूं आज इस बात को, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। झलकारी बाई का जन्म झांसी में हुआ था और एक बार 13 वर्ष की आयु में झलकारी बाई ने कुल्हाड़ी से एक तेंदुए को मार डाला था। 13 साल की लड़की एक तेंदुए को मार देगी तो भाई उसका गुणगान तो होगा, और अच्छी बात है, क्यों ना हो गुणगान। और झलकारी बाई की वीरता पूरे झांसी में प्रसिद्ध हो गई। भाई लक्ष्मी बाई का विवाह होके गया, झांसी गई। हर वीर पुरुष को, हर मतलब वीर इंसान को दूसरे वीर इंसान से मिलने का बहुत जिज्ञासु रहता है। जैसे कोई मुझसे कहे कि सर वो बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं, आपसे अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं मिलना चाहूंगा कि मेरे में ऐसी क्या कमी है कि जो मैं उनकी कितना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। तो भाई लक्ष्मी बाई को बहुत मन हुआ झलकारी बाई से मिलने के लिए। झलकारी बाई जब आई, कहां पर? बिल्कुल सही, लक्ष्मी बाई के सामने। लक्ष्मी बाई शॉक्ड रह गई। सेम नाक नक, सेम वेशभूषा, सेम हाइट, सब कुछ। क्योंकि पता है, जैसे जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, 17 दिन के लिए मुल्ला बेकसी को बादशाह बनाया गया था, उसी प्रकार जो झलकारी बाई थी, ठीक है, वो लक्ष्मी बाई दोनों डुप्लीकेट थी लगभग। और उनकी वीरता से लक्ष्मी बाई बहुत प्रसिद्ध हुई और उनको दुर्गा दल का सदस्य बना दी। लक्ष्मी बाई ने अपना सैन्य टुकड़ी किया था, दुर्गा दल, काली दल, लक्ष्मी दल। तो उन्होंने क्या किया कि झलकारी बाई को दुर्गा दल का क्या बनाया? सदस्य। झांसी में इस विद्रोह की शुरुआत काले खां नामक व्यक्ति ने किया था। फर्स्ट, सबसे पहले झांसी के किले में कोई घुस नहीं सकता था, लेकिन इन्हीं के लोगों ने ही, लक्ष्मी बाई की सेना के लोगों ने ही उनके साथ विश्वासघात करके किले का पीछे का दरवाजा खोल दिया, जहां से लोग किले में घुस गए। झलकारी बाई आई और उन्होंने लक्ष्मी बाई से कहा कि आप यहां से चली जाइए अपने पुत्र को लेकर, हम यहां पर विद्रोह को संभाल लेंगे। दोनों ने आपस में अपने वस्त्र को बदला और लक्ष्मी बाई वहां से दामोदर राव को लेकर ग्वालियर की तरफ निकल गई। और झलकार आता है कि झलकारी बाई लड़ते 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 यूरोज के टेंट तक पहुंच गई और कहीं यूरोज बाहर निकलो में आ गई। और यूरोज जब बाहर निकला तो वो पहचान गया कि लक्ष्मी बाई नहीं है, ये झलकारी बाई है। यूरोज ने कहा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो इसमें कुछ प्रतिद्वंदता आ जाती है, मतभेद आ जाते हैं कि झलकारी बाई ने कहा मुझे गोली मार दी जाए, और कुछ लोग कहते हैं कि यूरोज ने उनको क्षमा कर दिया। और जब झलकारी बाई को पता चला कि लक्ष्मी बाई की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर दी। अलग अलग तथ्य मिलते हैं। मतलब वो भी वीर महिला थी जिन्होंने झांसी के नेतृत्व किया जब लक्ष्मी बाई वहां से ग्वालियर गई। ग्वालियर में लक्ष्मी बाई की मुलाकात तात्या टोपे से हुआ, और वहां पर क्या हुआ कि फिर आखिरी में लड़ते लड़ते वीरगति को, ग्वालियर के किले के पास वीरगति को प्राप्त हो गई लक्ष्मी बाई। उनका मकबरा वहीं पर है और तात्या टोपे वहां से भागकर चले गए नेपाल, जहां पर उनके मित्र मान सिंह ने 1859 में उनके साथ विश्वासघात किया और उनको अंग्रेजों को सौंप दिया, जहां पर उन्हें फांसी दे दी गई। ये जीतते नहीं अंग्रेज, हमारे लोगों ने ही जितवाया है। तो आइए झांसी और ग्वालियर के बारे में पढ़ते हैं। लक्ष्मी बाई का जन्म बनारस, विवाह झांसी और मृत्यु ग्वालियर। पति गंगाधर राव, पुत्र
दामोदर राव। लक्ष्मीबाई को मनु मणिकर्णिका और छबीली बाई के नाम से भी जानते हैं। झांसी में विद्रोह की शुरुआत काले खां ने किया था। झांसी में लक्ष्मीबाई के बाद झलकारी बाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक, ग्वालियर में एक्चुअली दोस्तों जो ग्वालियर के सिंधिया लोग थे वो पहले अंग्रेजों की तरफ थे, ठीक है, लेकिन जब बाद में लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने लक्ष्मीबाई की सेना का समर्थन किया, लक्ष्मीबाई की सेना में आ गए, लेकिन फिर वही था, कमजोर पड़ गए थे, असफल हो गए। तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु तो यहां मैंने लिखा दिया है। मैं नाना तात्या टोपे के बारे में बता देता हूं। तात्या टोपे जो थे इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, तात्या टोपे की मृत्यु नेपाल में हुई थी, नेपाल में 1859 में हुई थी। इनके मित्र मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया था, उसका नाम लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, लिख देते हैं, इनके मित्र मान सिंह ने, मान सिंह ने विश्वासघात किया था। जॉर्ज फॉरेस्ट ने, अंग्रेज था, जॉर्ज फॉरेस्ट ने 1857 के विद्रोह में, विद्रोह में तात्या टोपे को सर्वश्रेष्ठ नेता कहा था। क्लियर? चलिए, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे विद्रोह हैं अभी, ठीक है, अगले वीडियो में फिर इसके आगे हम अलग अलग जगह विद्रोहों के बारे में आपको बताएंगे, ऐसे के डाउट्स आपका क्लियर करते चलेंगे। लियाकत अली, अहमदुल्ला, उसके बाद राजस्थान में, उड़ीसा में और दक्षिण भारत में, ठीक है, और छोटे छोटे स्थानों पर। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। कल आप लोगों की होली का त्यौहार है, होली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपको अच्छे से होली बिताइए, ठीक है, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। हमारी मुलाकात फिर भी कभी होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।